Hey guys, my name is Sakshi Bhatnagar. I'm from Delhi. And guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. So guys, सबसे पहले ना मैं आपको रिस्ट बैंड दिखाती हूँ. This one, it's so pretty, it's so elegant है. मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, like you know, you can wear it at any party. And it looks very classy. इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिंग भी पहनने की जरूरत नहीं है. इट लुक्स दैट क्लासी. सो आई रियली लाइक इट. तो या ये मेरा फेवरेट है. एक्चुअली मुझे ना कुछ भी पर्ल का हो, चाहे वो इयर रिंग्स हो, नेकलेस हो, आई लव इट ऑल. ओके, सो पर्ल्स तो मतलब लाइक मेरे फेवरेट होते हैं. तो या मैंने ये लिया था. लाइक इट वॉज वेरी कॉस्टली गाइस. तो आई रियली लव इट. लाइक अगर मैं इसको पहनूंगी जैसे मैंने अपना नेकलेस पहना हुआ है तो इट विल लुक यू नो लाइक दिस. एंड आई थिंक ये अकेले में इतना लुक दे देता है ना, आपको इतना क्लासी लुक देगा दैट यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेकअप. और मैं मेकअप से दूर भागती हूँ बहुत ज़्यादा. सो या थोड़ा सा ब्लश लगा के एंड देन जस्ट दिस मच एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. तो गाइज मैंने अभी बिंदी ना काजल से लगाई है खुद ही, बिकॉज आई डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स. बट मेरे को ये सब चीज़ें दिखानी थी सो आई थॉट कि इम्पॉर्टेंट है. तो या आई थिंक आपको भी अच्छी लगी होगी मेरी ये नेकलेस. आई वी रियली लव इट. सो गाइज एज आई सेड कि मुझे पर्ल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो ये वाला जो एक्चुअली ये इयररिंग्स हैं एंड These earrings look so pretty. Actually, lotus के अंदर pearl है and ये कुछ मुझे unique लगा. So I got it for my mom actually, but then मैंने खुद ही रख लिया. So yeah, मैं ये एक बार लगा के दिखाती हूँ so that you get an idea like how it is. Let me just, yeah. Just have a look. It looks so classy. I mean, अगर मैं ये इसी ड्रेस के ऊपर भी ये पहनती तो it would have been looking really nice. And ये पहन के तो यार मतलब like किसी भी पार्टी में आई थिंक यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, आई एम श्योर. तो गाइज ये जो मैं नेक्स्ट दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासी लुक देता है वेन यू वेयर इट विद मिडी और से यू नो समथिंग रियली लॉन्ग एक्चुअली. तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लुक देता है. एंड अगर मैं अभी ये पहनने लगी तो मुझे उठना पड़ेगा. सो या ऐसे ही देख लो आप लोग, इट लुक्स वेरी गोर एंड प्लस इट इज़ वेरी मल्टी यू नो इट्स मल्टी कलर्ड. सॉरी मैं इट इज़ वेरी बोल रही हूँ. सो इट इज़ मल्टी कलर्ड. तो ग्रीन पिंक कुछ भी पहना हुआ है उसके साथ इसको पहन सकते हो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट. गाइज आपको पता है, याद है आपको कहो ना प्यार है अश्मिता ने ऐसा कुछ पहना था जो बेसिकली दिखाया था मूवी में कि ऋतिक रोशन ने पहनाया था. आई वॉज सच अ किड एंड ये आपको देख के आई एम श्योर गोवा की याद आ रही होगी. तो मैंने ये तब वहां से ले लिया था बिकॉज यू नो ये शेल्स इतने प्रिटी लग रहे हैं इस नेकलेस में एंड मैंने अब तक इसको क्लीन करके बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है. बिकॉज लाइक व्हेनेवर आई गो टू गोवा तो ये जो गोवा वाइब्स है ना लव हुआ. लिस्ट जो है ना वो थोड़ी लॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू एक्सेसरीज. सो या द नेक्स्ट इज दिस वन. इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी. आई मीन लाइक ये मैंने बहुत पहले लिया था, आई थिंक 2 years 3 years बैक. एंड इसके साथ ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि रेड लिपस्टिक गोज रियली वेल विद इट. ओके, सो जो मेरी तरह है लोग, जो गर्ल्स देख रही हैं मेरे को जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, सो आई थिंक यू शुड बाय समथिंग लाइक दिस. थोड़ा क्रिस्टल टाइप का लुक देने वाला. इसके साथ ना बिल्कुल भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है. एक रेड लिपस्टिक लगा लो एंड यू लुक सो क्लासी एंड इनफैक्ट हॉट. तो मेरे को लगता है कि ये वाला हर किसी के पास होना चाहिए पीस. ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है. सो गाइस मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सा एंकलेट है. कैन यू सी इट? इस पे जो टॉर्टोइस बने हुए हैं दे लुक वेरी नाइस. एंड ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकली माना जाता है यू नो बुरी नज़र एंड ऑल, बट देन आई डोंट रियली बिलीव इन दैट. बट हाँ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था. तो ये मैं अपने पैरों में पहनती हूँ वैसे तो, बट मैं अपने हैंड में आपको दिखाती हूँ. इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है. या सी इट्स लुकिंग वेरी गुड.
तो ये पैरों में मेरे बहुत मुझे अच्छा लगता है. सो या मैंने ये बहुत पहले लिया था एंड देन आई थिंक इसका कॉस्ट कुछ था 1K समथिंग, बट लेकिन मेरे को ऐसे दो मिले थे, एक ही नहीं मिला था. सो या आई रियली लाइक दिस. सो अब मैं थोड़े रेगुलर टाइप की एक्सेसरीज पे आऊंगी, लाइक यू नो डैंगलर्स, हियर इट इज. सो मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी. दे लुक लवली या आई मीन लाइक कैजुअल वेयर में स्कर्ट्स एंड ऑल में, जैसे मैं खुद प्रेफर करती हूँ स्कर्ट्स पहनना ज़्यादा. सो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा लुक देता है. एंड एक बार पहन के दिखाती हूँ तो आपको लगेगा. तो देखो ये कितना मल्टी कलर्ड है, राइट? एंड आई थिंक इसके साथ कोई भी यू नो टॉप, टी शर्ट, स्पैगेटी पहन सकते हो, बिकॉज इट इज मल्टी कलर्ड. एंड मैं हमेशा ऐसी चीज उठाती हूँ मार्केट से दैट यू नो थोड़ी मल्टी कलर्ड हो, सो दैट मैं हर चीज के ऊपर उसको पेयर कर सकती हूँ. इट्स गिविंग अ फैबुलस लुक आई फील. ये थोड़ा मेरे को ऐसे करने पड़ रहे हैं यार बाल अपने, बट आई फील दैट दे लुक लवली. इनफैक्ट दे लुक ऑसम टू मी. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं ये बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज ये मल्टी कलर्ड है. जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मुझे मल्टी कलर्ड चैंगलर्स, मल्टी कलर्ड इयररिंग्स भी काफी पसंद है. एंड ये जितने हैवी दिख रहे हैं इतने हैवी है नहीं. आई विल वेयर इट एंड सी इट्स मल्टी कलर्ड. सो मैं इसे किसी भी चीज़ साथ पेयर कर सकती हूँ, बी इट जीन्स, बी इट लहंगा, एंड कोई से भी कलर का हो. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट. तो मैं इसलिए ये वाला लेकर आई. अगेन मैं ये जीके से लेकर आई थी, साउथ दिल्ली से. सो आप वहाँ से शॉप कर सकते हो उसके लिए. एंड इट्स वेरी प्रिटी. आई मीन लाइक आई जस्ट वेयर इट. वाह, इट्स ऑलरेडी गिविंग अ हॉट लुक. मैंने बताया था ना आप लोगों को ये पहन के ज्यादा अच्छा लगता है. वाओ सी, आई नो ये थोड़ा हेवी लग रहा है, थोड़ा हेवी लुक दे रहा है, बट इफ यू सी इट देन यू नो मतलब किसी को भी अच्छा लग जाएगा. इट इट इट्स लाइक वेरी अट्रैक्टिव एंड मुझे ये दूर से ही अच्छा लग गया था. आई स्टिल रिमेम्बर. सो दूसरा ये पहन ही लेती हूँ, दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है. ये रहा दूसरा एंड मैं ये पहन रही हूँ. सो हेड गोस, बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट यू शुड हैव अ क्लोज लुक ओवर इट. एंड ये अगर आप डीप नेक पे पहनोगे या अगर स्प्रेगेची पे पहनोगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा. एंड इन फैक्ट द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन वेयर इट ऑन जीन्स एज वेल. किसी भी चीज पे चल जाएगा यार ये. इट लुक्स सो अमेजिंग. सो या ये भी मेरा फेवरेट है, ये एक्चुअली कुछ ज्यादा ही फेवरेट है. तो नेक्स्ट एंगलर इज दिस वन. एंड आई थिंक ये मेरे ईयर्स से ही पता चल रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है, ये लुक बहुत अच्छा देता है. एंड मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, लाइक कहीं भी जा रही होती हूँ तो मैं इसके साथ ही जाती हूँ. एंड आई रियली लव इट. मुझे स्पेशली जो ब्लू कलर के ऐसे बने हुए होते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, बट देन मैं ये पक्का बाय करती हूँ. एंड नेक्स्ट टाइम या आई विल एक्चुअली आस्क कि इसको बोलते क्या है. तो ये मेरी कुछ फेवरेट फेवरेट चीज़ें हैं जो मैं पहनती हूँ रोज. तो मैंने दूसरा वाला भी पहन लिया है एंड जी बहुत अच्छे लगते हैं इसको, स्पेशली अगर यू नो ऐसे पोनी बना लो. सो इट लुक्स वेरी ऑसम, इट गिव्स अ वेरी हॉट लुक. तो मैं ये छोड़ती नहीं, मैं ये हमेशा पहन के रखती हूँ. एंड या मतलब लाइक कैजुअली भी, लाइक विदाउट मेकअप ऑल्सो आई वेयर दिस. इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड किसी भी चीज़ साथ चले जाते हैं यार. ये डेनिम की स्कर्ट के साथ जा सकता है, जीन्स के साथ जा सकता है. इट बेसिकली लुक्स वेरी ऑसम. तो या ये मेरा फेवरेट है. आई थिंक अगर आप इसके साथ नेकलेस पहनोगे ना तो
इट विल लुक वेरी हैवी. सो या आई सजेस्ट टू गाइस कि अगर ये इस टाइप के पहनते हो आप, यू नो ये झालर वाले बोलते हैं इनको वैसे, सो यू कैन जस्ट आस्क एनी वन कि यू नो झालर वाले अगर आपके पास है तो दो. सो या इन जी के साउथ दिल्ली तो मैं वहाँ पे खरीदती हूँ. सो इसके साथ नेकलेस मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, बट या ये मेरे कलेक्शन में मेरे को ये भी मेरा फेवरेट है. मुझे ना सब कुछ बहुत यूनिक अच्छा लगता है, यू नो. तो रिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला ये है, ये वाली रिंग है, देखो कितना अच्छी लग रही है. एंड मुझे एक बार एक स्ट्रेंजर ने स्पेशली, मैं क्लब में गई थी एंड ही आस्क्ड मी लाइक व्हाट इज दिस, सो आई वाज लाइक दिस इज अ रिंग. सो आई मीन लाइक ऐसा कुछ पहनना चाहिए जो यूनिक लगे, राइट? सो या आई रियली लव दैट थिंग कि किसी ने पूछा दैट व्हाट इज इट, बट ये बहुत यूनिक है एंड आई थिंक ये बहुत ही क्लासी भी है. आई रियली लव दिस रिंग ऑफ माइन. गाइस अब मैं क्लबिंग की बात कर ही रही हूँ जब, तो मैं इस रिंग पे क्यों नहीं आऊँ. ये रिंग एक्चुअली बहुत ही हॉट लुक देती है. अभी तो मैंने जैसे कि ये पन एंड ऑल पहन रखा है, बट इन पार्टीज आई डोंट वेयर इट, तो सिर्फ ये पहनती हूँ मैं. सो आई थिंक इट गिव्स अ वेरी क्लासी लुक. आई मीन आई रियली लव इट, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली रिंग. एंड या इसके साथ नेकलेस एंड ऑल पेयर करना होता है वो सब तो, बट देन आई थिंक दिस इज अ वेरी क्लासी रिंग. ये जो रिंग है ना, आई फील ये खुद में इतनी काफ़ी है कि तुम्हें ब्रेसलेट वगैरह पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इट्स सो कूल, हेड गोल्स. एंड मुझे पता है थोड़ी सी यू नो ब्रॉड सी लग रही होगी अभी देखने में आई फील, बट देन व्हेन यू एक्चुअली वेयर इट इन अ पार्टी ना, तो ये एक अलग ही इसकी वाइब आती है. एंड आई थिंक आई रियली लव इट यार. ये मतलब पूरा लुक कंप्लीट कर देती है, इट हेल्प्स यू इन कंप्लीटिंग द होल लुक. सो या मतलब नेकलेस का भी इतना केयर नहीं करना. अब ना मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट गो टू वाली रिंग दिखाने वाली हूँ. इसके साथ मुझे चेन की या चोकर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑब्वियसली आजकल हम क्लब्स वगैरह ज़्यादा जाते हैं. सो दिस इज the one I'm talking about. And ये बहुत ही pretty लगती है. And I think like many of you might be knowing about it. ये कुछ लोग शादियों वगैरह में पहनते हैं, but I think that वैसे भी ये parties वगैरह के लिए भी अगर पहनो, so I think it gives a very very nice look. And इसके साथ कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है guys, वरना ये पूरा look जो है ना spoil हो जाएगा. So इसके साथ कुछ मत पहनना. And ड्रेस पहनना मतलब अच्छी सी, एंड ये पहनना, एंड यू नो विद द मेकअप ऑन. सो या आई एम डन विद माय एक्सेसरीज. एंड लेट मी नो इफ यू लाइक माय एक्सेसरीज. एंड कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब तो पक्का कर दिया करो. ओके, सो यू कैन सी मोर ऑफ द वीडियोस लाइक यू नो दीज. तो ओके, बाय बाय, टेक केयर.